फाइनली दोस्तों मैंने केक तैयार कर लिया है और केक पसंद आया केक पसंद आया या नहीं मेरा खा लो बात भी लूं एक बार कब्जा कर लिए तीन थे और हम दो थे तो क्या कर सकते हारना हमें ही था। हेलो दोस्तों मैं हूं अलका, आशा करती हूं आप सब ठीक होंगे और आज हमारे हबी का बर्थडे है जो कि हम भूल गए थे इनको विश करना। हबी आए हैं काम से बेचारे, इन्होंने मुझे उल्टा जाकर फोन किया, आप डाटा तो ऑफ था मेरा तो मैंने देखा नहीं और इन्होंने खुद मेरे से बोला कि मैसेज देखो, मैसेज देखा तब पता चला मुझे इनका बर्थडे है। एक दौर वो था 11:59 और सेकंड चला टक टक जैसे 12 बजा फोन आ जाता है तो कोई बर्थडे मनता है ये तो बताओ। अब भाई हम तो ठहरे घरेलू आदमी, हमें तो कुछ पता नहीं रहता है कब बर्थडे है कब नहीं है। चलो शाम तक देखेंगे ठीक है आपका बर्थडे मनाने का। मैंने सोचा है कुछ छोटा मोटा बर्थडे प्लानिंग कर लेंगे और आप बने रहना वीडियो में। हम तो भाई सो गए थे और सोकर उठे तो फिर याद आया अरे कुछ गिफ्ट तो लेके आना ही है ना अपने हबी के लिए, कुछ तो कर ही सकते हैं थोड़ा बहुत। अब मेरे पर्स में पड़े हुए थे 40 रुपए और 40 रुपए में मैं क्या मंगाऊंगी, तो अपने हबी से मैं क्या मांगती कि भैया उन्हीं के पैसे से कि मुझे दे दो आपका बर्थडे मना दूंगी मैं। जब आते हैं फिर देखना कैसे मनाते हैं हम बर्थडे। दीपांशु सामान लेकर आ गए हैं, ये रहा देखिए झोला और क्या क्या मंगाया और क्या क्या लेके आए हैं, चलो आपको दिखाते हैं। तो इसमें है अंडे, ये रही चॉकलेट, दो चॉकलेट हैं 5-5 वाली और ये टॉफी, क्योंकि मेरे बजट में तो बस इतना ही था। फाइनली दोस्तों मैंने केक तैयार कर लिया है और पता नहीं उनको पसंद आए कि नहीं आएगा और आपको भी पसंद आएगा कि नहीं आएगा कमेंट करके जरूर बता देना। देखने के लिए तैयार हो ना? ये देखिए मैंने केक कुछ इस तरह तैयार किया है, ये रहे अंडे। अब हमारे पास कुछ स्पेशल तो था नहीं और मैंने ये गप्पू बैठी हुई है, कशिश का बर्थडे हुआ था तो मैंने इनसे मांगा था एक कैंडल, तो सारी की सारी कैंडल खराब कर दी। मैंने सोचा ये अंडे के बीच में लगा के ले चले जाऊंगी उनके लिए। तो और ये रहा चाकू जो कि मैंने अंडा काटा था इससे। अब बुलाने के लिए जाते हैं हम अपने हबी को। हेलो, सो गए क्या? आपके लिए मैंने केक तैयार किया है, चलो तुम्हारे खातिर चलता हूँ। अरे आओ ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक पसंद आया? केक पसंद आया या नहीं मेरा? ये कैसे कर रहा है? आओ जल्दी आओ जल्दी आओ बाहर तो आओ, डिस नहीं करोगे अपने बड़े भाई को? कौन सा केक है भाई, मतलब पहली बार देखा। मैंने अपने हाथों से तैयार किया है, हाथों से। ये कहाँ से लाए तुम? अरे आओ ना जल्दी। पैसे किसने दिए? पैसे मेरे पास 40 रुपए निकले थे तो उसमें से मैं 24 रुपए के अंडे लाई, 6 रुपए की टॉफी लेके आई और ये जो गिफ्ट है ये आपकी बड़ी जी ने दिए थे कल्पू ने, उन्होंने कहा था मेरे से कि उनको जरूर कहना कि मैंने चॉकलेट दी है। बहुत बहुत ये कुटरा कुटरा वाली दीदी है आपकी कल्पना दी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं उनको। और यहाँ पर तो किसी को मतलब ही नहीं है, देखो टीवी देखने देखो कहाँ छिपके देख रही है, बताओ आओ ना। मुझे सुबह बुरा लगा था पता, मुझे विश नहीं किया था इसलिए, लेकिन मैंने शाम को सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। This is very sweet, beautiful cake. मम्मी पापा क्या दे रहे हैं? इतनी क्या कहते हैं बहू दे दी, अच्छा ये घर दे दिया, मतलब ठीक है, ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए खाली बर्बाद कर रहे हो टाइम, ये लोग समझ नहीं, ताली बजाइए जो केक काट गए था। सही है बैठ जानी चाहिए, अंडो भी दिखाई जैसे चुना दिखा रहा है, अच्छा दिखा नहीं दिखा सही है।
थोड़ी पैसे आज पूरा केक खाऊंगा। अरे पैसे और चॉकलेट दिल वाले का बहुत धन्यवाद 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 पूरा केक खाऊंगा मैं। बल्लू गटिया भरो ताली बजाओ ना ताली तो जूनिंग कैमरा इज कमिंग। हैप्पी बर्थडे। अंडा लुढ़क गया आज का बस। आज मैं बहुत खुश हूँ कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं थे लास्ट इम्प्रेशन लाइफ में पहली बार पति का मजा कब है मतलब जो छोटी छोटी खुशियाँ ना आपस में बांटो वही जिंदगी है। आई एम सो वेरी हैप्पी। मेरे पति देव ने बहुत अच्छी लाइन मारी वाह 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 वाह। चलो ये केक काट दिया है तो खिलाओगे नहीं पापा जी को पहले वो खिला दो खाते नहीं है अब माता जी तो वो खा लेंगी ना अंडे। माय ब्रदर आशीर्वाद तो दे नहीं रहे चलो मुझे तो किसी ने खिलाया नहीं आज। अरे तेरी मम्मी कितनी चालू है देखता हूँ क्योंकि मैंने मीठा भी मिलाया था ये देखिए इसके साथ अमेजिंग क्योंकि अंडे वाला केक भी होता है ना उसमें मीठा डाल देते हैं बस मेरा पूरा अंडा है वो घुला हुआ अंडा होता है। हम हमेशा खुश रहे ये मेरा आशीर्वाद है। तो आप भी खा लीजिए इसे एक एहसास कीजिए एहसास कीजिए एहसास करो दो इसको खिला दो पहले। ले ओ केक तो खबर कर ले ओ भैया केक जो है हमारो केक भैया ज्यादा पैसे तो थे नहीं इतने पैसों का इतना ही आया। एक बात बता दूं मरने के लिए ना जहर की एक बूंदी काफी है और खुशियां बांटने के लिए ना अगर मिठास पैदा करनी है दिल में अपनी फैमिली में तो चीनी का एक जो छोटा सा तिनका होता है ना जो दाना बहुत काफी है समझ सकते हैं आप। लो एक बात कहना चाहूंगा मैं कि क्या कहते हैं जैसे पाकिस्तान लेना चाह रहा ना जम्मू कश्मीर इन्होंने कब्जा कर लिया भैया कब्जा कर लिए तीन थे और हम दो थे तो क्या कर सकते हैं हारना हमें ही था। हम क्या करें हटिया पे लेटे हैं मच्छर काटते हैं क्या करें। बहुत ही प्यार से भिजवाया हमारे लिए मैं खा लू ये खा लो पात भी लू एक बार भाजी होगा बेवकूफ आदमी तो डार तुमका सोच रहे हो। तो आपको हमारा बर्थडे कैसा लगा हम गरीबों का बर्थडे 40 रुपए में काम बन गया मेरा। चलो फिर ठीक है मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर बर्थडे पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। ओके बाय मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।